जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाने आया हूँ। यहाँ एक झंडा देखिए, जिससे किसी को आपत्ति हो ना हो, मुझे है। ये देखिए, अरे झंडा मैं उतारने जा रहा हूँ, कृपया, कुछ भी हो सकता है यहाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आज देखना है हम हिंदुस्तान में रहते हैं कि पाकिस्तान में। ये झंडे का रंग देखिए, पकड़ लियो। हाँ जाना बिंदा बिंदा भी। बस आज झंडा कितना का वो लगाओ का पड़ी नहीं लगाई है ना लगाई पाएगा ना लगाई पाए छोड़े हो पाए छोड़े झंडा कितना का कितना क्या ये झंडा कैसे है बताओ आप बताओ आप बताओ पाए छोड़े हो हम तोड़े हम का पत्ती का झंडा का पत्ती है झंडा ये झंडा सही बा है झंडा सही बा है कैसे सही बा बताओ बताओ ना आप कैसे सही बा नहीं आप बताओ सही का होगा है हमका गलत है हिंदुस्तान का झंडा है हिंदुस्तान का झंडा है बताओ अबे यार पता है इनका भाई कहाँ झंडा हाँ बताओ हिंदुस्तान का झंडा ही अबे लंडे यहाँ इरला ये हिंदुस्तान के झंडा वो लगाए है हम तोड़े हमका पत्ती बा अरे आपत्ति ना आ रहा चाचा इसे उतार ले है नहीं आपत्ति बा यार कोनो बात ना करे तो जो हम करे को तोड़े काहे के काहे का वीडियो बना वीडियो बुलावा वीडियो के काहे ना बनाई वीडियो काहे ना बनाई बुलावा सो नंबर बुलावा हाँ तो बुलावा सो नंबर बुलावा हाँ बुलावा पता नहीं झंडा हुआ लगा है कहते इनका आपत्ति है माधव हाँ बुलावा हाँ बुलावा सो नंबर कहाँ के है बे हाँ ये सुल्तानपुर के तो कहे तोड़े का बहुत बड़ी के हम ही सुल्तानपुर के है तो बुलावा ना सौ नंबर हम भागत है काहे टूड़े होगा हम भागत है टूड़े होगा काहे बे हम भागत है तो बुलावा झंडा लगाओ मिल जाए के लगाए हम कबो ना लगाए जोन करे कोई आप करे हमरे साथे कोनो दिक्कत ना इमे वीडियो वीडियो बनाओ बात मारा मोबाइल आप फूट जाए तुम तोड़ा ना मोबाइल लिया और वीडियो वीडियो बनाओ हां कोनो बात ना करे आप तोड़े मोबाइल आप तोड़े मोबाइल हम आपको कुछ नहीं कह रहे गाली देना मारना आप मार सकते हो अपन बात हुआ आप सौ नंबर बुलावे हम थानम देव जवाब ना तो नहीं बुलावे दे भाई साहब भाई साहब बुलावे दे सौ नंबर कोनो दिक्कत नहीं गलती तो आप करवे के हैं कोनो गलती नहीं के भाई साहब थानम हम जवाब देव ना तो बस सही है जवाब थानम हम जवाब देव ना भाई साहब तू का थाना वाला ये करे भेजे थाना वाला हमका काहे भेजे क्यों प्रशासन भेजत है प्रशासन भाई हमें झंडा लगाने जा रहे उसकी जगह पे काहे ना लगाई हम इसकी जगह ये झंडा लगाए कुछ झंडे का अपमान भी नहीं कर रहे हमें झंडा लगाएंगे भाई साहब बात सुनिए हम कह रहे हैं आप यही लगा दिए भाई साहब देखिए उसको उतारा आपके झंडे का मार मार लेगा भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं गलत मत बोलिए गलत मत बोलिए चाचा गलत मत बोलिए गलत मत बोलिए हाँ कोनो बात नहीं ना गलत मत बोलिए हम ये झंडा लगाने जा रहे हैं उसकी जगह पे ये झंडा लगाऊंगा मैं ये लगाऊंगा हाँ ये लगाऊंगा
गाली मत दो चाचा, मार मारने गाली मत दो, गाली मत दो, राष्ट्रीय सेवक संघ से हूँ मैं, नुकसान हो जाएगा आपका भी। हाँ हमें लगाएंगे, हाँ ये लगाते हैं, पकड़ भाई वीडियो, मोबाइल पकड़ने के लिए हम लगा रहे चाचा, गाली मत दो, गाली मत दो, मैं भी राष्ट्रीय सेवक संघ से हूँ, गाली मत दो। देखिए हिंदुस्तान का झंडा लगाने पे लोग आपत्ति कर रहे, मारपीट कर रहे, ये देखिए इतना एलर्जी है। मैंने एक बार भी गाली दी आपको, हाँ बुलाओ, मैं वो भी लगाऊंगा, हिंदू मुस्लिम देखिए चाचा ये झंडा लगाया भाई साहब, दोनों लगाने जा रहा हूँ। आप लगा क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं लगाए, लगाने दिया, लगा था तो आप इसको क्यों उतारे क्यों, हेलो हेलो आप ये बताइए उसको उतारे क्यों, मैं ये भी लगाने जा रहा था, क्यों नहीं लगाने दे रहे, क्यों लगाने जा रहे हो, क्यों नहीं लगाने, आप वो जब लगा था तो क्यों नहीं लगाए, आप लगाने क्यों नहीं दे रहे, वो लगा था तो इसको मत फेंकिए, आप लगाने क्यों नहीं दे रहे, अरे आपको लगाने यार, आप तो नहीं इसको लगाए थे, वो ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा, दोनों झंडा लगाने, आप पहले ये बताइए कि आप उसको उतारे क्यों, मारो ना मारो, कोई बात नहीं, क्यों उतारे आप उसको, मारो 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 उनको, मारने नहीं, मारने तो उनको, कोई बात नहीं, मारो, आप ये बताइए हमको, आप मेरे को इसको क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, आपत्ति नहीं है, क्यों नहीं लगाने दे रहे, मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, आप मुझे ये जवाब दीजिए आप उतारे क्यों, बड़े भाई मेरी बात सुनो, पहले आप मुझे जवाब दीजिए, हेलो बड़े भाई, हाँ। इसको क्यों नहीं लगा, आप पहले बताइए यहाँ कहाँ गया, यहाँ सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर के यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ क्या कर रहे हैं चाचा, आप बार बार बदतमीजी कर रहे हैं, आप बार बार बदतमीजी कर रहे हैं, सबक सिखा, इतिहास को हम बता दे माधवपुर, आप ये बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए, सब गलती मेरी है, मैं मान रहा हूँ, आप ये जवाब दिए जो झंडा उतारे उतारे ये लगा दिए होते आप उसको क्यों उतारे, भाई सब दोनों जब नहीं लगाता तब आप बोलते, क्यों आप उतारे उसको, मुझे दोनों नहीं लगाते तब आप बोलते, आप ये जवाब दिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब, वीडियो नहीं, जब मैं उसको उतारा मैं दोनों को अगर नहीं लगाता उतारे क्यों, आपत्ति थी मैं उतारा, आपत्ति नहीं है, नहीं क्यों आपत्ति नहीं, ये मेरे देश का, ये मेरे देश का धर्म है, क्यों आप भी हैं उसे, लोग देश में नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप देश में, तो क्यों आप नहीं उतारे, मैंने उस झंडे का अपमान किया उतार के, गाली दिया क्यों उतारे आप, ये पहले मेरे पास है, मैंने गाली दिया उस झंडे को, पहले बात बहुत मार खाएंगे, मार देंगे क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा आपको, मुझे आपत्ति इस बात से, आप वो झंडा उतारे, पहले पहले मेरी बात से आपको, आप बोल रहे हैं, पहले मेरी बात सुनोगे, पहले मेरी बात सुनोगे, क्यों नहीं सुने, क्यों नहीं सुने, खत्म कर रहे हैं, नहीं नहीं क्यों नहीं, अभी बवाल हो जाएगा, बहुत तगड़ा बवाल हो जाएगा, सही है, चलो मार देंगे, पहले मेरी बात खत्म कर दो यार, पहले बात खत्म कर रखा है, खत्म करो छोटू, खत्म खड़ा रहा, प्रशासन है ये, आप अपनी बात लीजिए, यहाँ बहुत एक दो तीन हुई पाल, मेरी वो जो ये कह रहे हैं, कहाँ है,
चाबी के झंडे उचारी सी ना फोकर के सवेरे सवेरे खोपड़ा खराब करता है इनका कोनो काम ना देश मना ही ना और क्यों देश मना ना मैं ये तो कह नहीं रहा भाई साहब देश का कोई नहीं है सभी हां तो का तो तू तो देश के राय अकेले क्यों और कौन आ जाए ये पढ़े लिखे आग ना है पढ़े लिखे आ पढ़े लिखे या नहीं तू का करे ऊ झंडवा निकाले तोरे अपने चौकरे अपने गांव में डाल ले रहे अच्छा ये अपने गांव में मैं डाल तू डाल ले बहुत हिंदुस्तान के बनता वो सड़क नहीं कहिए झंडा उखाड़े वहां है डंडा चाचा बार बार आप मेरे को मत दिखाओ मत मारो नुकसान हो जाए मैं आपको अभी तक आपने मेरे को जब से आया हूँ गाली दे रहे जब झंडा नहीं उतारा था तभी से गाली दे रहे ठीक है ना तब से आप मुझे गाली दे रहे हो जब से मैं झंडा नहीं उतारा हूँ तब से अब शुरू कर ठीक है शुरू क्या बोले तेरी माँ का चोर शुरू किए ना ठीक ठीक मोबाइल तोड़ो मैं नहीं दूंगा नहीं करो पंगाज मैं भी करके जाऊंगा यहाँ झंडा लगाए थे लोग सलामी मैं अपने देश का झंडा लगाने जा रहा था ये लोग मुझे मारे यहाँ सलामी झंडा लगाए थे ना तो मैं उसकी जगह पे लगाने जा रहा था उसके लिए ये लोग मार रहे हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं फोन कर रहा हूँ सौ नंबर भैया मैं कहीं नहीं भागूंगा देखिए दोस्तों आज हिंदुस्तान का ध्वज लगाने पे लोग मुझे मार रहे हैं और कोई हिंदू आज मेरी रक्षा नहीं कर रहा है कोई हिंदू मेरी रक्षा नहीं कर रहा है ये इस्लामिक देश बनेगा इस्लामिक झंडा नहीं लगने दूंगा चाहे लोग मुझे आज मार डाले मुझे भी गम नहीं है मैंने किसी को गाली नहीं दी वहाँ सलामी झंडा लगा हुआ था क्यों लगा है भाई साहब क्यों नहीं उतार सकते भाई आप किसी के मजहब की मैं मजहब का नहीं छेड़ा हूँ झंडा मजहब का तो है मजहब को नहीं छेड़ा हूँ कोई बात नहीं नहीं कोनो बात ना चाची कोनो तकलीफ ना हम झंडा उतारे उनके झंडा पैर रखे हुई फाड़े हुई हमारी गलती रही कोई बात जब आदेश मिला है तब तो उतारा था आदेश क्या मिला 26 जनवरी है नहीं इस्लामिक झंडा लग सकता मेरे देश का झंडा नहीं लग सकता है कह रहे ये झंडा माने माधव चौधरी झंडे का क्या करूंगा मेरे पास पूरी वीडियो है कैसे